हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हमल इन्फोटेक। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने शेयर और यूनिट खरीद रखे हैं या फिर आपने म्यूचुअल फंड खरीद रखे हैं और उनको आपने सेल कर दिया है तो उसके लिए आपको ITR 2 भरना पड़ेगा। तो वो बेचे हुए शेयर्स और म्यूचुअल फंड का जो भी आपको गेन हुआ या लॉस हुआ है कहाँ पर आपने भरना है, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ डैशबोर्ड पे फाइलिंग रिटर्न असेसमेंट ईयर 2024-25 और ITR 2 पर क्लिक कर रखा है। इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर शेड्यूल्स दिए गए हैं, टोटल 15 शेड्यूल्स आर सिलेक्टेड। तो यहाँ पर सबसे पहले जनरल शेड्यूल है, इसमें पार्ट ए जनरल का यहाँ पर चेक लगा हुआ है। तो आपने इनकम पे भी क्लिक करके जो जो शेड्यूल आपको चाहिए वो उस पर क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर सैलरी शेड्यूल है, यहाँ पर चेक लगाया है मैंने, शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी, शेड्यूल कैपिटल गेन्स। तो ये यहाँ पर जो शेड्यूल कैपिटल गेन दिया हुआ है इसमें आपने म्यूचुअल फंड की और आपने जो भी आपने शेयर्स वगैरह खरीद के जब बेचे हैं उसकी एंट्रीज शेड्यूल कैपिटल गेन्स में होगी। उसके लिए आपको यहाँ पर 112A को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये दिया गया है, ये अगर आप क्रिप्टो करेंसी है आपके पास और बेची है उसकी एंट्रीज में आएगी। अगर आपके ये लिंक आपके रेलिवेंट लगे तो आप इसको क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज जो जो आपके एप्लीकेबल है उन पर आप चेक लगा के इसको कंटिन्यू कर दो। यहाँ पर कंटिन्यू करने के बाद आपसे ये पूछेगा कि आप ओल्ड डिज़ाइन में जाना चाहते हो या फिर न्यू पे। इसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, इनको आप रीड करके यस नो कर सकते हो। यहाँ पर मैंने पहले इनको किया हुआ है, यहाँ पर मैंने सेविंग भी डाली हुई है। अगर आपने सेविंग का इंटरेस्ट आपका 10,000 से ज़्यादा है तो आप 10,000 की ओल्ड डिज़ाइन में एग्जेम्पशन ले सकते हो। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर ये आपको जो आपने शेड्यूल सेलेक्ट किए थे वो खुल जाएंगे। तो मेन मैंने आपको बताना है कि आपने कहाँ पर अपनी एंट्री करनी है। यहाँ पर शेड्यूल फॉर कैपिटल गेन में यहाँ पर मैंने एंट्री कर रखी है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। यहाँ पर ये जो आपकी लैंड और बिल्डिंग से कोई इनकम है उसके लिए आपने सिलेक्शन करनी है। मेरे पास यहाँ पर नहीं है तो मैंने इसको रहने दिया है। ये शॉर्ट टर्म के लिए है, यहाँ पर चेक लगाना। ये लॉन्ग टर्म के लिए है, अगर आपने शॉर्ट टर्म में सेल की है तो यहाँ पर भी चेक लगा दें, अगर लॉन्ग टर्म में भी सेल की है तो यहाँ पर भी चेक लगा दें, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दें आप। तो यहाँ पर मैंने ये पहले से एंट्री डाली हुई है, यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने शॉर्ट टर्म में भी कुछ एंट्री की है तो और लॉन्ग टर्म में भी की है। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, पहले यहाँ पर क्लिक करके शॉर्ट टर्म में। तो यहाँ पर मैं एडिट करूँगा, यहाँ पर सेक्शन 111A में मैंने जो सेल किया है सेल वैल्यू यहाँ पर डाली है कंसिड्रेशन में, और यहाँ पर एक्विजिशन में मैंने जो मैंने ख़रीदा था खरीद वैल्यू उसकी टोटल करके, जो भी आपके अगर शेयर्स हैं उनको टोटल कर लें या म्यूचुअल फंड जो भी है उनका टोटल यहाँ पर ऐड कर दें शॉर्ट टर्म का, और उनका शॉर्ट टर्म का सेल यहाँ पर कैलकुलेटर दोनों का करके आप डाल सकते हैं, वहाँ पर प्रॉफिट लॉस यहाँ पर दिखा देगा। तो इसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ, ये शॉर्ट टर्म का था। यहाँ पर अभी मैं आपको लॉन्ग टर्म का भी दिखा देता हूँ 112A में। तो यहाँ पर आप व्यू शू शेड्यूल को क्लिक करोगे तो आपको ये दिखाई देगा। अगर आपके पास ये एंट्री नहीं तो यहाँ पर ऐड पर करके अगर फर्स्ट एंट्री डाले तो ऐड पे क्लिक करेंगे, अगर आप अनदर में एंट्री करना चाहते हो इस पर क्लिक करके कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एंट्री यहाँ पर हुई है, इसी तरीके से आप यहाँ पर एंट्री डाल सकते हो। इसके बाद आपको एक और चीज़ करनी है कि कैपिटल गेन में दोबारा जाकर आपको एक काम करना है, ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों एंट्री डालने के बाद कैलकुलेट करने के बाद आपको एक और काम करना है। यहाँ पर आपको एक टेबल F दिया गया है, इसको आपने चेक करना है और सेम एंट्री आपने क्वार्टरली वाइज में डालनी है। आप टोटल भी डाल सकती हो, चाहे लास्ट क्वार्टर में डाल दें, चाहे आप जैसे आपको रेलिवेंट लगे फर्स्ट में डाल दें। यहाँ पर टोटल अगर आप क्वार्टर वाइज हर क्वार्टर में शो करना चाहते हो, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 क्वार्टर्स हैं, इनको आप फिल कर सकते हो। उसके बाद फिल करने के बाद आप यहाँ पर कंफर्म कर लोगे,
यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, ये शॉर्ट टर्म में दिया गया है टोटल गेन, और यहाँ पर लॉन्ग टर्म में दिया गया है टोटल गेन। तो कंफर्म कर दें, अगर आप ये टेबल एफ नहीं भरते तो आपको लास्ट में एक एरर मिलेगा, उसको रिमूव करने के लिए आपको ये टेबल भरना ही पड़ेगा। तो यही था आपका म्यूचुअल फंड, और जो आपने शेयर खरीदे थे उसको सेल करने के बाद कहाँ पे एंट्री करनी है इनकी। तो एंट्री होगी इनकी कैपिटल गेंस में और शेड्यूल 112A में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।